Marina Sandej, dai. स्वागत है आपका मारीना संदेश ले में, मैं उफाद काजमी, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र से बताते चले आपको कि सभी पार्टियों में लगातार प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। इसी क्रम में हम आपको बताते चले कि घोसी विधानसभा 354 क्षेत्र से पूर्व विधायक सुधाकर सिंह भी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी का भावी प्रत्याशी भी माना जा रहा है। और आइए हम दिखाते हैं किस बेबाक अंदाज से सुधाकर सिंह ने मारीना संदेश लाइव में साक्षात्कार के दौरान प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और जनता की समस्याओं को उठाते हुए क्या कहा, आइए वीडियो देखते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक घोसी विधायक सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं, जिनको जनता भावी प्रत्याशी के रूप में देख रही है। सुधाकर सिंह जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनता आपको, घोसी की जनता भावी प्रत्याशी के रूप में देख रही है समाजवादी पार्टी से, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं कई बार प्रत्याशी रह चुका हूं, विधायक भी यहां से रहा हूं, अभी घोषणा नहीं हुई है तो आप भावी प्रत्याशी के रूप में हम लोग कल्पना कर रहे हैं। तो चुनाव तो हम हमेशा यहाँ से लड़ते हैं, जीतते हैं, कहीं हारते हैं, ये तो लगा ही रहता है यहाँ पर। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस समय बहुजन समाज पार्टी से अब्बास अंसारी को टिकट ना मिलने के कारण मुसलमानों में काफ़ी रोष व्याप्त है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो वोट कट रहा है वो किधर जाएगा, कांग्रेस में जाएगा या आपको मिलने की उम्मीद है? हमें तो सारे बिरादरियों को वोट मिलता है, और जो वोट कटेगा क्या, माइनॉरिटी तो हमेशा हमको 90% वोट करती है, चली आ रही है, इस बार तो ज़्यादा करेगी। घोसी में मुख्य विकास का मुद्दा आपका क्या रहेगा? घोसी में मुख्य विकास का मुद्दा जो काम बाकी थे वो हमने विधायक काल में सब पूरा करीब पूरा कर दिया है, तो ये काम जो बाकी होंगे, जनता ने हमको मौका दिया तो उसे पूरा कर दिया जाएगा। हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव के माध्यम से आप घोसी की जनता एवं मऊ की सभी जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पूरे घोसी की जनता और मऊ की मऊ के लोगों से मैं अपील करूंगा कि घोसी की जनता, मऊ जिले में जनप्रतिनिधि नाम का कोई चीज़ नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि, एक MLA ऐसा नहीं है जिसके पास जनता जाकर के अपनी समस्याओं का निदान करा सके, एक चिट्ठी भी लिखवा सके मुख्यमंत्री के नाम से। कोई भी किसी भी क्षेत्र का है, सब बाहरी हैं, तो लोकल का रहने वाला मैं हूँ। जो उनकी समस्या होगी उसके निदान के लिए हमारे जीतने और हारने से कोई सरकार पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन एक प्रतिनिधि हमको चुन करके वो ऐसा पाएगी जो परमानेंट उसके बीच में रहेगा, उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। एक विशेष सवाल आपसे ये करना है कि जैसे देखा जा रहा था कि मऊ से घोसी तक रास्ता काफ़ी ख़राब था और कई जगहों पे तो ऐसा गड्ढा था जहाँ पर बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ पास होती थीं, लेकिन आज जब उधर से हमारा आना हुआ तो हमने देखा है कि पत्थर और मिट्टी पाट करके रास्ते को बराबर किया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? या बनारस से लेकर के गोरखपुर तक यह पूरी रोड गड्ढे में ही तब्दील हो गई थी, और विशेषकर जो हाईवे बन रहा है उससे हट करके जो शहरों को बगल से सड़कें निकल रही हैं, तो शहर की रोडें तो बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हैं। यहाँ जो आपने देखा है, इसलिए वह गड्ढे भरे जा रहे हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, नहीं तो गड्ढे में ही दिखलाई देती आप। मतलब ये योगी जी के आगमन के लिए, हाँ, ये गड्ढों को छुपाया जा रहा है। इस समय जैसा सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली दर 12% बढ़ गई है। एक तो बिजली की आपूर्ति घट गई है और दरें बढ़ गई हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में विद्युत की 12% दरें बढ़ी हुई है, और विद्युत जितनी मिलनी चाहिए उतनी लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिससे हर वर्ग, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, सारे लोग इससे काफ़ी परेशान हैं, और बिल का इतना बढ़ना एकाएक
12% तक बढ़ना, इससे जनता काफ़ी त्रस्त है। और जो उस तरह से सभी चीज़ें आसमान छू रही हैं, और जो भी जनता की आवश्यकताएं हैं सारी चीज़ें आसमान छूती जा रही हैं, मुद्रास्फीति घटती जा रही है, ये चीज़ें तो आप जानती भी हैं और पूरा देश इसको जान रहा है। एक चीज़ ये भी है कि सभी जानते हैं कि चूंकि सरकार भाजपा की है और उपचुनाव का मतलब कोई विशेष नहीं निकलेगा, आदमी सरकार में नहीं जा सकता है, बस एक प्रतिनिधि बन के रह जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की लड़ाई लड़ना आसान रहेगा? कोई भी, मैं कई बार प्रतिनिधि रहा हूँ यहाँ से लेके मधुबन तक, एक प्रतिनिधि जिले में जो आज सारे अधिकारी भी लगाम हो गए हैं, जो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार भी सुना बढ़ गया है, जहाँ 2000 अधिकारी घूस लेता था वहाँ 20,000 ले रहा है, जहाँ 5,000 लेता था जहाँ 50,000 हो रहा है, हाई अफसर पैसा बैठ करके कुर्सियों पर मांग रहे हैं, और जो एक प्रतिनिधि ही इस भ्रष्टाचार को यदि ठीक ठाक से आपने चुन दिया तो उनको इन भ्रष्टाचारों को रोक सकता है, जनता की बातों को वहाँ तक पहुँचा करके उनके कान तक समस्या का हल कर सकता है। अभी विगत दिनों घोसी में पिड़वल के पास तिले खुद गांव में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई, और पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद था उसमें जनता ने मारा, जबकि जनता का कहना है और परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा हत्या की गई है, पुलिस कस्टडी में। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मुकेश यादव पप्पू नेवादा तिलई लाखीपुर का रहने वाला था, मामूली सी बैटरी चोरी में उसको पकड़ करके सीओ घोसी वहाँ से ले आकर के लॉकअप में बंद कर दिया और तीन दिनों तक लगातार बंद रखा, उसे 2,00,000 रुपए मांग करती रही, आखिरी समय में 50,000 रुपया ही मांग करती रही, उतना ही दे दो उतना ही पर छोड़ दूंगा, और मारती पीटती रही। नतीजा निकला कि इतना उसने मारा पीटा और समय रहते उसको दवा करने का मौका नहीं दिया, वह दम हालात में ही तोड़ दिया। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? इसके लिए हमारी पार्टी, आपने देखा होगा DM और SP को पत्रक उसने दिया, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश तक अपनी बातों को पहुंचाया, शासन तक पहुंचाया, और जो मांग घोषणा आज भी मैं कह रहा हूं कि जो घोषणा माननीय जिलाधिकारी महोदय ने की थी मौके पर आकर के, यदि सरकार बात की धनी है तो उनकी घोषणा को अमल में लाना चाहिए। एक बड़ा विशेष सवाल ये है कि इस समय पूरे जनपद में बड़े ज़बरदस्त तरीके से वाहन चेकिंग हो रही है और वाहनों का अत्यधिक चालान का शुल्क बढ़ा दिया गया है, कई गुना कर दिया गया है, इस चेकिंग के पीछे क्या मुख्य भूमिका रही होगी या क्या कारण होगा? पूरे प्रदेश में भयंकर तरीके से चेकिंग के नाम पर वसूली हो रही है, डबल पर्चियाँ रखी जा रही हैं और झूठे बता दिया जा रहा है कि आपका ये फलां फलां चीज़ नहीं है, 25,000 हुआ और चालान कटेगी तो 25,000 और नहीं तो 5,000 रुपया दीजिए, गाड़ी लेके बना घर जाइए। लोगों की जितनी गाड़ियों के दाम नहीं है, बहुत से लोग तो गाड़ियां छोड़ के चले आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ये लोग जो है चेकिंग के दौरान उसकी रसीदें काट दे रहे हैं, इससे भी पूरी आवाम त्रस्त है और परेशान है। इसका मुख्य कारण क्या होगा, इस तरह की चेकिंग का मुख्य कारण क्या होगा? यह सरकार जब से बैठी है, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, केवल धन उगाही करना ही इस सरकार मेन काम है, केवल धन उगाही करना, चाहे GST के माध्यम से हो चाहे इसके माध्यम से हो, केवल धन उगाही करना ही इस सरकार का मेन लक्ष्य है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रांत की हो, उसके बावजूद भी मुद्रास्फीति की संभल नहीं रही है।
खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारी खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।